झारखंड में आम चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। सदस्यता ग्रहण करने की इसी कड़ी में आज दयामणि बारला कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। जानकारी के अनुसार कांग्रेस दयामणि बारला को गीता कोड़ा का विकल्प बता रही है। दयामणि बारला से बातचीत किया हमारे संवाददाता चित्रंजन कुमार ने। झारखंड में कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गई। क्लीन स्वीप लोकसभा चुनाव से पहले ही संसदीय में क्लीन स्वीप हुई है। वहीं इस दौर पे जहां गीता कोड़ा पार्टी का दामन छोड़ती है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि वर्मा जी वर्ला जी, जिनका पहचान की जरूरत नहीं, इनका खुद अपना एक पहचान है। झारखंड संघर्ष से लेकर झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी हर लड़ाई पे आपको ये तस्वीर दिखेंगी। जहां एक और कांग्रेस का दामन महिलाएं छोड़ रही, वहां आप कांग्रेस का दामन पकड़ रही। अपनी इच्छा, मैं 30 सालों से संघर्ष कर रही हूं और 30 सालों से मैं जिस मैं आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ी हूं, वो आइडियोलॉजी को मैं 30 साल से देख रही हूं और उस आइडियोलॉजी के साथ मैं केवल नहीं, हमारा समुदाय चल रहा है। तो आज समय का मांग है कि हम सामाजिक संगठन, हम लोग संघर्ष करने वाले, अगर हम एक ही आइडियोलॉजी के हैं और हम सबको मिलकर झारखंड को बनाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सामाजिक और राजनीतिक मिलन होना चाहिए। तो ये सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक मिलन का ये समागम है। कांग्रेस में इसको आप कैसे पाटेंगे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है झारखंड के कैसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार आपकी लड़ाई लंबी रही, ऐसे में कांग्रेस में उन विषयों को कैसे आप उठाएंगे? उन विषयों को लेकर ही तो गीता कोड़ा ने पार्टी का दामन छोड़ा, चाहे स्थानीय नीति की बात हो या बाकी जो मुद्दे हो। गीता कोड़ा ने क्यों छोड़ा उस पर मैं कोई कहने नहीं जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं और हमारा मानना है हर जाति और धर्म इसी धरती पर है, हर राजनीतिक पार्टी इसी धरती पर है। तो धरती बचाने की लड़ाई राजनीतिक पार्टी को भी वो लड़ेगा। और मैंने अपना कई घटनाएं मैं कांग्रेस के समय में लड़ते लड़ते मैंने अनुभव किया है कि कांग्रेस में जो स्पेस है वो स्पेस है हमारे आने के बाद भी देगा लोगों को। झारखंड है और भारत का संविधान की बात कांग्रेस भी करती है, तो भारत का संविधान में जो स्पेस है उस स्पेस में बोलने का अधिकार होगा ही होगा। भारत के संविधान के साथ झारखंड का जो झारखंड 5th शेड्यूल स्टेट है उसको अलग से कई चीजें मिली हुई, तो ऐसे में झारखंड में उन विषयों को लेकर आप जिस पार्टी में ज्वाइन किए हैं उस पार्टी में आप कैसे उन विषयों को उठाएंगे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं, जल जंगल जमीन की आपने बात की, तो उन विषयों को आप कैसे लड़ेंगे? मैं जिस तरह से पहले बोलते आई हूँ, आजादी मिलेगी कांग्रेस में, आजादी समय आएगा, वक्त आएगा। अभी मैं पहले काहेले बोलने जाऊंगी कि देगा कि नहीं देगा, कि हम कांग्रेस के किस साथ ऐसा लड़ेंगे, समय बताएगा ना। आपको भी इंतजार करना है, मुझको भी इंतजार करना है। लोकसभा चुनाव में आप कैसे देखती हैं कि लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा आपका नाम, आपका चेहरा, आपका संघर्ष कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए, कांग्रेस पहले से ही लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष करते आ रहा है और कांग्रेस पार्टी का अपना क्या बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी को हर व्यक्ति जानता है, ठीक है ना। गांव के लोग कांग्रेस पर बिलीव करते हैं, अल्पसंख्यक भी बिलीव करता है। ऐसे परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही कांग्रेस बहुत मजबूत होगा। कांग्रेस तो बहुत पुराना पार्टी है और बहुत पहले से वो देश में खड़ा है। तो राहुल गांधी, सुनिए राहुल गांधी, राहुल स्थिति, आप जैसा चश्मा लगाएंगे ना वैसा दिखता है। हम लोग चश्मा लगा के देखते हैं, हम लोग आदिवासी अब चश्मा लगा के देखते हैं, किसानों के दृष्टिकोण से चश्मा लगा के देखते हैं, संघर्ष के दृष्टिकोण से चश्मा हम लोगों का लगा हुआ है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत देखते हैं, लोकतंत्र पर जो पार्टी खड़ा है, लोकतंत्र की बुनियाद पर जो पार्टी खड़ा है, जो सभी जाति और धर्म की बात करता है, संरक्षण की बात करता है, उससे मजबूत पार्टी क्या हो सकता है, आप हमको बताइए।
दयामणि वर्मा जी को वाला जी को यह विश्वास है कि झारखंड में जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस में इनको जगह मिलेगी, कांग्रेस में मुखर होकर अपने विषयों को रख सकते। वहीं कांग्रेस को ये उम्मीद है कि गीता कोड़ा के पार्टी छोड़ने का जो दाग लगा है वो इनकी भरपाई इनके थ्रू पार्टी कर सकती है। सहयोगी पिंटू के साथ चित्ररंजन कुमार, टीवी।